हमारे पूरे ज़िले में 1950 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसके अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी हर विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो महिलाओं द्वारा प्रबंधित हैं, साथ ही एक मतदान केंद्र विशेष योग्यजन द्वारा और एक जो हमारे यूथ पोलिंग पार्टी से उनके द्वारा प्रबंधित है। सभी मतदान केंद्रों में बहुत पीसफुल तरीके से मतदान प्रक्रिया अभी चल रही है और मैंने भी अभी हमारे जो जवाहर स्कूल में मतदान केंद्र है उसमें अभी मैंने अपनी वोट कास्ट की है और मैं अजमेर के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध करूँगी कि आप सभी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, सभी जानकार हैं, सभी से निवेदन करें कि सभी आ जाकर के पोलिंग बूथ पर अपनी वोट कास्ट करें और हम अजमेर में 100% मतदान करें। स्वीप के जरिए इस बार काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई गई, उसका कितना असर मैम देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली इसमें स्वीप में जो हमने इस बार विशेष फोकस हमारे यूथ वोटर्स पे रखा है और पर्टिकुलरली सिटी एरियाज़ में जहाँ पोलिंग परसेंटेज और वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रहता था पहले, तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार अच्छी वोटर टर्नआउट रहेगा और पोलिंग परसेंटेज हमारे पूरे ज़िले का बढ़ेगा। हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि स्वीप एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और हर वर्ग का जो वोटर है वो आकर के आज मतदान करेगा। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान, कहीं तकनीकी खामी, कहीं पे कोई ऐसा इशू नहीं है और जहाँ पर भी कोई मशीन्स में डिफेक्ट था या जो भी रहा इशू रहा वो रिजॉल्व हो चुका है और सभी जगह अभी मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है। थैंक यू मैम। हर बार की तरह इस बार पोलिंग का जो परसेंटेज है काफ़ी देखने को मिला है, बढ़ा है। जिस तरीके से महिलाओं ने अपना घर का काम छोड़ के, जैन से लोगों ने अपने काम की छुट्टी करके जो यहाँ पे पोलिंग को अंजाम दिया है और बहुत अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराने की उम्मीद जो रखी थी उन्होंने, वो उनकी सफलतापूर्वक हो रही है। दरगाह क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि पहले इतने लोग जागरूक भी नहीं थे, मगर अभी हमारी जो टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, हमारे पार्षद साथी हैं और हम लोगों ने जो भी अवेयरनेस फैलाई थी और हमारे जो बुजुर्ग हैं मोहल्ले के, उन लोगों ने भी लोगों को जागरूक करा और अपने घर की महिलाओं को भी ला करके सब लोग अपने वोट डाल रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और दरगाह क्षेत्र के अभी तक के इतिहास में पहली बार इतनी पोलिंग होगी जो आज तक के रिकॉर्ड तोड़ कराई जा रही है।